रंगों से है रची जिंदगी, रंगों से है रची जिंदगी, रंगों में है बची जिंदगी। रंगों से है रची जिंदगी, रंगों में है बची जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या नन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जहाँ हवाओं में, शहरों में बिखरने लगी है रंगों की छटा, वहीं मेरे बगिया में बिखर रही है जरबेरा की छटा। सुंदर सुंदर जरबेरा भी मेरे बगिया में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इस बार न जाने क्यों साइज भी बहुत बड़े हो रहे हैं। कारण तो बस मैं जो जानती हूँ, मैं आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ, मैं वही आप लोग से शेयर करती हूँ। मेरा जो प्रैक्टिकल मैं देखती हूँ, इन्हें उखाड़ के आप जब तक न लगाएंगे इसमें अच्छे फ्लावरिंग नहीं होगी। मैंने इस बार उखाड़ के एक नया गार्डन बनाया है, तो इसीलिए मेरे फ्लावर इतने अच्छे बड़े हो रहे हैं और मैंने जिनको दिया है उनके भी अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बसंत का मौसम है, फागुन का मौसम है और इस समय गर्मियाँ भी आ गई है, तो हमारे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें सीड्स ग्रो होने लगे, उसके सारे फ्लावर सूख रहे हैं। तो आपको अभी इसी समय चाहिए, आप सारे सीड्स कलेक्ट कर लें, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं विंटर के, जैसे आपके जरबेरा के तो मिलेंगे ही, उसके साथ आप जितने भी अपने गार्डन में लगाए होंगे, जैसे मैंने अभी डायंथस, पेटूनिया, उसके बाद कैलेंडुला, मेरीगोल्ड के काफ़ी सारे प्लांट्स, फिर जो क्रिसेंथेमम थे उसकी कटिंग्स मैं रख रही हूँ जितना मेरे पास था। तो ये सारे काम अभी आपको हर दिन करना है और साथ साथ आपको पानी भी अभी दो टाइम देना है। लेकिन मैं आगे चूंकि जरबेरा की चर्चा करूंगी, तो जरबेरा में एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अभी आ गया समर, एक टाइम आप पानी तो जरूर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ओवर वाटरिंग कर देंगे। इसके चलते ओवर वाटरिंग एकदम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये शेडी एरिया में ही अपने जरबेरा को लगाया है। आम के पेड़ है, मैंने पहले भी जब जरबेरा लगाया था, जब पहले जहाँ मैं थी वहाँ भी ऊपर आम का पेड़ था, इसलिए छाँव बना रहा था, धूप छाँव तो बना ही रहता था सारा दिन। और यहाँ भी ऊपर आम का पेड़ है तो यहाँ भी धूप छाँव बना रहता है। और मेरा जरबेरा एकदम बहुत ही हेल्दी है और ये फ्लावर 2 वीक्स एकदम अच्छे से बने रह रहे हैं इस समय, और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि सवेरे की एक हल्की सी धूप यहाँ पे पड़ती है। तो जरबेरा की केयर तो मैं खूब करती हूँ, हर साल आपने देखा है मेरे जरबेरा के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो रहते हैं। और इस समय डेली मैं थोड़ी बहुत गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स आसपास बहुत निकल रहे हैं। और चूंकि मेरा ये देशी वैरायटी के जरबेरा है, तो इसके स्टिक थोड़े से पतले होते हैं, थोड़े से नाजुक होते हैं, वो थोड़े से अगर मिट्टी से हट जाए तो वो गिर जाते हैं, तो आपको उसको सहारा देना पड़ता है। ऐसे कोई दूसरे स्टिक वगैरह से सहारा नहीं, बस मिट्टी का एक ढेर बना दे नीचे और सहारा दे दे। इस तरह से मैं भी केयर करती हूँ, आगे भी मैं जरबेरा की वीडियो डालती रहूँगी। और आपको मैंने बस आज दिखाया मेरा बगिया की जरबेरा, देखिए कितने बड़े बड़े आए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बतलाइएगा। जरबेरा तीन चीज़ बहुत मांगता है, एक तो लिक्विड फर्टिलाइजर, एक हल्की सी धूप और कम पानी। ओवर वाटरिंग एकदम पसंद नहीं करता। आपको मेरी ये जरबेरा की वीडियो कैसे लगी जरूर बतलाइएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।